हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल में। और आज पेश करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो नंबर 5। जी हाँ, हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 4, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे फॉरेन सेक्टर की, फॉरेन ट्रेड की हालत क्या थी। वहां हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सर, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल या ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल हमारे इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी। इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल या ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब सर, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब होता है कि सर, पॉपुलेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स, पॉपुलेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे बर्थ रेट की बात करें, डेथ रेट की बात करें, लिटरेसी रेट की बात हो गई, सेक्स रेशियो की बात हो गई। सर, ये जो सारी चीजें होती है जहां पे बर्थ रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब बर्थ रेट को कंपेयर करते हैं, डेथ रेट को कंपेयर करते हैं, जब हम लिटरेसी रेट कैलकुलेट करते हैं, लिटरेसी रेट फाइंड आउट करते हैं, जब इन सभी चीजों की स्टडी होती है तो कहलाती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सर, इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, वीडियो नंबर 5। देखिए क्या बोल रहा है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इट रेफर्स टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन सच एज लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें आती है इसमें, पॉपुलेशन के जितने भी वेरियस एस्पेक्ट्स से जब हम लोग स्टडी करते हैं कि सर, पॉपुलेशन के जितने भी वेरियस एस्पेक्ट्स से कि पॉपुलेशन में डेथ रेट कितनी है उस टाइम पे, कंट्री की बर्थ रेट कितनी है, कंट्री की लिटरेसी रेट कितनी है, तो ये जब हम लोग इस तरह के जो एलिमेंट्स जब हम लोग स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आई बात समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहला एस्पेक्ट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अभी समझना, इंडियन इकोनॉमी जब हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूल की, कॉलोनियल रूल की बात हो रही है, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट थी। उस टाइम हमारी इकोनॉमी में बर्थ रेट भी काफी हाई थी और डेथ रेट भी काफी हाई थी। देखिए बर्थ रेट मतलब क्या होता है, पहली चीज तो ये, बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1,000 पर्सन इन ईयर, पर 1,000 पर्सन, 1,000 आदमियों में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं वो कहलाती है बर्थ रेट। देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1,000 पर्सन इन ईयर, और डेथ रेट 1,000 आदमियों में कितने आदमियों की, कितने पर्सन की डेथ हो रही है वो कहलाती है डेथ रेट, नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर 1,000 पर्सन इन ईयर। ठीक है, उस टाइम हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई थी। कि क्या थी, बर्थ रेट 48 थी और डेथ रेट 40 थी, 48 पर 1,000 पर्सन एंड 40 पर 1,000 पर्सन। 1,000 पर्सन में 40 आदमियों की मौत हो रही थी और 1,000 पर्सन पे 48 चिल्ड्रन का बॉर्न हो रहा था। सर, ये जो चीज है ये कहलाती है हाई बर्थ रेट और डेथ, हाई डेथ रेट। 48 और 40 ये फिगर काफी हाई था, ये 48 और 40 ये क्या है, काफी हाई फिगर्स है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों को, हम लोग जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में डेटा पढ़ेंगे वो डेटा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये जो डेटा है 48 40 ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, 1 मार्क क्वेश्चन जब इस चैप्टर में से आएंगे तो हो सकता है वो डेटा के ऊपर आ जाए। तो प्लीज डेटा याद रखिएगा, 48 एंड 40। सर, अगर किसी भी कंट्री में बर्थ रेट हाई हो और डेथ रेट हाई हो तो वो क्या सजेस्ट करता है। देखिए डेथ रेट अगर हाई है ना, इसका मतलब सर जनरली वो पॉपुलेशन यू कहें कि खत्म हो रही है जो अर्निंग पॉपुलेशन है। हमारी जब डेथ रेट की बात करते हैं तो डेथ रेट मतलब होता है कि जनरली उन लोगों की मौत हो रही है जो लोग अर्निंग पॉपुलेशन में आते हैं, मतलब जो लोग कमा के देते हैं इकोनॉमी में, परिवार में, उन लोगों की मौत हो रही है। तो देखिए डेथ रेट अगर हाई होगी तो इकोनॉमी में पैसा कमाने वाली पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, और साथ ही में अगर बर्थ रेट हाई है, बर्थ रेट हाई है सर, चिल्ड्रंस का बॉर्न ज्यादा हो रहा है, तो इकोनॉमी में इनकम जनरेशन पॉपुलेशन नहीं आ रही है, इकोनॉमी में अभी भी वही पॉपुलेशन आ रही है। अब पॉपुलेशन कौन सी आ गई बर्थ रेट की वजह से, ऐसी पॉपुलेशन जिसकी वजह से खर्चा बढ़ा और यह युग है कि इकोनॉमी में इनकम कम हो गई, डेथ रेट से लोग भी मर गए। जब डेथ रेट की बात करें तो लोग जब मर रहे हैं तो अर्निंग पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी की क्या हो रही है, कम हो रही है, और बर्थ रेट अगर हाई है तो ऐसी पॉपुलेशन आ रही है जो अर्न नहीं करेगी, सिर्फ कंज्यूम करेगी, तो हमारी इकोनॉमी में डबल बर्डन पड़ रहा है। बर्थ रेट भी हाई है तो इकोनॉमी में अर्न करने वाला कोई नहीं बचा बच रहा है, और डेथ बर्थ और यू कहेगी बर्थ रेट भी हाई है, तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन आ रही है वो अर्निंग पॉपुलेशन नहीं आ रही है सर, वो चिल्ड्रन है, तो वो अर्न नहीं करके दे सकते इकोनॉमी को। तो अगर किसी भी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन होती है
तो वो इकोनॉमी मैसिव पॉवर्टी में गिर जाती है। किसमें गिरेगी? मैसिव पॉवर्टी, बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर गरीबी आ जाती है, कमाने वाले लोग हैं नहीं, और नए अगर बात करें तो नई पॉपुलेशन आ रही है इकोनॉमी के अंदर। तो जो भी पॉपुलेशन आ रही है उसको कैसे हम लोग यू कहें कि इसकी जो नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि कमाने वाली पॉपुलेशन ही नहीं बच रही है। उस केस में इकोनॉमी में क्या जाती है? मैसिव पॉवर्टी। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं लो लिटरेसी रेट की। लो लिटरेसी रेट, हमारी जो लिटरेसी रेट थी उस इकोनॉमी में उस टाइम पे वो काफी लो थी, काफी कम थी लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या होती है समझा देता हूं। देखिए आपने लिटरेसी वर्ड काफी सुना है, लिटरेट इलिटरेट, ये लिटरेसी वर्ड एक्चुअल में क्या होता है? लिटरेसी रेट किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ पर्सन हुज एज इज 7 और अबाउ, ऐसे सारे लोग जिनकी उम्र 7 या 7 साल से ज्यादा की है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, और जिनके पास एबिलिटी हो कि सर वो क्या कर सके किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में रीड कर सके, राइट लिख सके, थर्ड कम्युनिकेट बात कर सके। एक सिंगल लैंग्वेज में तीनों चीज, लिख सके, पढ़ सके, बात कर सके। अगर 7 साल के ऊपर की एज के अगर ये लोग है अगर हैं तो वो लिटरेट कहलाते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, सपोज टू नंबर ऑफ पर्सन हुज एज इज 7 इयर्स और अबाउट, 7 साल से ऊपर या 7 साल की एज वाले लोग जिनके पास कैपेबिलिटी है एक ही भाषा में पढ़ने की, लिखने की, बात करने की, तीनों चीज एक ही भाषा में, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? लिटरेट कहलाते हैं। अभी सर आप लोग बोलेंगे सर इसमें कहां बड़ी बात है, हम हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, सर हम लोग तो दो दो लैंग्वेजेस में माहिर है। बेटा उस टाइम पे जब हम इंडिया कॉलोनियल रूल में था ना, ब्रिटिशर्स के अंडर में था, उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो लिटरेसी रेट उस टाइम पे कितनी थी आपको जान के हैरानी होगी। समझना क्या बोला है, ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% थी। सिर्फ कितने परसेंट? 16, केवल 16% पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो एक भाषा में लिख सके, बोल सके, बात कर सके। आई बात समझ में? लिखना, पढ़ना, बात करना तीनों एक ही भाषा में हो, सिर्फ कितनी पॉपुलेशन थी ऐसी? 16%। इसका मतलब 84% पॉपुलेशन इलिटरेट थी, उन्हें एक ही भाषा में ना तो पढ़ना आता था, ना बोलना, ना लिखना। तो दिक्कत ये थी 84% पॉपुलेशन इलिटरेट। हम लोग एजुकेटेड बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेटेड का मतलब होता है आपके पास कोई स्पेशलाइज डिग्री होना, कुछ नॉलेज होना। लिटरेट एंड एजुकेटेड बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मैं लिटरेट पर्सन एजुकेटेड होना जरूरी है, एजुकेटेड लिटरेट जरूर होगा, बट लिटरेट शुड नॉट बी एजुकेटेड, सॉरी लिटरेट मे नॉट बी एजुकेटेड। तो यहां पर क्या बोला है, ओवरऑल उस टाइम की लिटरेसी रेट कितनी थी? सिर्फ 16%, केवल 16% पॉपुलेशन लिटरेट थी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। और आज की तारीख में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला की 94%, केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा इंडिया में 94%, केवल 6% वहां की पॉपुलेशन ऐसी है जो इलिटरेट है। और इंडिया की सबसे लोएस्ट अगर हम बात करें लिटरेसी रेट है बिहार की 64%, वहां पर भी 64% लिटरेसी रेट है। पहले 16% लिटरेसी रेट थी पूरे इंडिया की। और बात करें फीमेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी जान के हैरानी होगी सर, सिर्फ 7%। इंडिया ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स के टाइम हाथ में जब था, ब्रिटिश रूल कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारे इंडिया में फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 7% हुआ करती थी। आई बात समझ में? समझना, दो चीजें पड़ी, बर्थ रेट 48, डेथ रेट 40, लिटरेसी रेट ओवरऑल 16 और फीमेल की 7। अब सर याद कैसे रखें, एज 7, फीमेल लिटरेसी भी 7, ओवरऑल लिटरेसी 1+6 कितना है 7। तो ध्यान रखना ओवरऑल लिटरेसी 7, सॉरी ओवरऑल लिटरेसी 16, टू डिजिट नंबर है वंस की लाइन में, तो 16, फीमेल लिटरेसी 7। आगे बात समझ में? एक बार आप फटाफट नोट डाउन करिए, हम आगे कुछ और इंडिकेटर्स हैं वो पढ़ते हैं, फास्ट इसे नोट डाउन करिए। देखिए अब हम लोग बात करते हैं तीन और इंडिकेटर्स की, जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर आता है हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अक्सर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट मतलब
सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं नवजात जिनको बोलते हैं, जो जस्ट बॉर्न हुए हो इनको इन्फेंट बोलते हैं। मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु, मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु, डेथ। तो हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी सर उस टाइम पे। सर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट किसको कहते हैं? सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु इज लेस देन वन ईयर ऑफ एज डाइंग पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 लाइव बर्थ्स में कितने बच्चे एक साल से कम उम्र वाले जिनकी डेथ हो जाती है वो कहलाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। 1000 लाइव बर्थ हुई है सर, उसमें से कितने बच्चे जो ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है एक साल से कम उम्र वाले वो कहलाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द एज ऑफ वन ईयर पर 1000 लाइव बर्थ एनुअली, सालाना 1000 बर्थ पे कितने बच्चों की डेथ हो रही है एक साल से कम उम्र में वो कहलाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ब्रिटिश रूल में, कॉलोनियल रूल में ये बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। देखिए कितनी थी, इट वॉज 218 पर 1000। 1000 बच्चे अगर एक साल में पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 218 की डेथ हो रही थी। अगर हम बात करें सर ड्यूरिंग द ईयर, अगर 1 करोड़ जो यू कहेंगे चिल्ड्रन अगर बॉर्न हो रहे थे, अगर हम एक रफ स्केच माने कि 1 करोड़ अगर चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे थे उस टाइम पे, तो 21,80,000 चिल्ड्रन की डेथ हो रही थी सर। 218 पर 1000, ये हाई डेथ, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का इंडिकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी पीपल्स की, जो पर्सन की, वो काफी कम थी। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का रीजन क्या है? सर उस टाइम पे प्रॉपर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, उस टाइम पे हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं थे प्रॉपर, उस टाइम पे प्रॉपर हमारे पास हेल्थ एंड हाइजीन अवेलेबल नहीं था। उसकी वजह से हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोगों की उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो काफी कम थी। देखिए उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, ड्यू टू पुअर हेल्थ फैसिलिटीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वॉज ओनली 32 ईयर्स। 32 ईयर्स ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। अभी समझना, आप में से किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर आप गलत बोल रहे हो, हमारे दादा परदादा 100-100 साल जीते थे सर, आपने 32 ईयर्स कैसे लिख दिया? बेटा ये कॉलोनियल रूल की बात हो रही है, आपके दादा परदादा हाईएस्ट 80-90 ईयर्स बैक रहे होंगे। कॉलोनियल रूल इंडिया में 190 ईयर्स तक चला। देखिए वहां पर मैं ये कह रहा हूं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर आदमी कम जीता था, हर आदमी की एज 32 थी फिर मर जाता, ऐसा नहीं है। लोगों की खुद की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि हम इतने साल तक जिंदा रहेंगे। अगर आज की बात करूं तो लोग आज के टाइम पे क्या प्रेडिक्ट करते हैं, हमारी जो एज होगी 70-75-80 हाईएस्ट, वो वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम कितनी थी ऑन एन एवरेज, इट वॉज 32 ईयर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि सर उस टाइम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, ना मेडिकल फैसिलिटीज थी, ना हॉस्पिटल अवेलेबल थे प्रॉपर। इसकी वजह से वहां पर बहुत सारी बीमारियों की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी सर। तो उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ लोग कितनी मानते थे, 32 ईयर्स। बीमारी का इलाज नहीं है, आपको कैंसर हो गया, टीबी हो गया, पता ही नहीं पड़ता था, बीमारियां ही नहीं पता पड़ती थी। तो उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की सिर्फ कितनी थी, 32 ईयर्स। कोई आदमी 100 साल जी रहा है वो गलत नहीं है, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की सर कितने साल जिंदा रहूंगा अगर बीमारी हो गई तो वो 32 ईयर्स वाली थी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। एक और चीज बता देता हूं, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स कॉलोनियल रूल के टाइम थी, इसी के रिगार्डिंग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप नाम सुन रहे होंगे, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो आप लोगों ने नाम सुना होगा WHO का। WHO ने जो डेटा पब्लिश किया 2018 में, उसके अकॉर्डिंग करेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज 68.8 ईयर्स। 2018 में जो WHO ने डेटा पब्लिश किया है उसके हिसाब से अभी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 68.8 ईयर्स। सर अभी ज्यादा कैसे है? सर अभी हमारे पास बहुत सारी, या यूं कहें कि ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज अवेलेबल है हमारे पास में। कुछ एक बीमारियों का इलाज अवेलेबल नहीं है पर उनके इलाज के लिए भी रिसर्च चल रही है, तो हमारे पास हर एक बीमारी का इलाज है। तो ऐसा नहीं कि आदमी बीमारी के इलाज की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, इलाज अवेलेबल है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। देखिए क्या बोल रहा है, कॉलोनियल रूल में पहली बात तो हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल ही नहीं थी, और जो भी कुछ अवेलेबल थी थोड़ी बहुत जहां पर भी
वो इनएडिक्वेट थी सर, पॉपुलेशन इतनी थी और हेल्थ फैसिलिटीज काफी कम थी, तो या तो ये मान लो कि थी नहीं, और जो भी अवेलेबल थी वो काफी इनएडिक्वेट थी। उसी की वजह से क्या हुआ कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल एक बहुत जो युवा की लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है हमारी, उसकी वो युवा की वो खत्म हो गई, रिजल्टिंग फ्रॉम डेथ ड्यू टू एयर बॉर्न एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। पानी की जो बीमारी होती है, जो कहेगी जो एयर बॉर्न डिजीजेस होती है, उनकी वजह से काफी सारे जो हमारे पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो खत्म हो गया था सर। इतनी डिजीजेस थी कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पे, उस टाइम पे नहीं हॉस्पिटल्स नहीं थे हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास उस टाइम पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो इसकी वजह से एयर बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीजेस की वजह से काफी सारी पॉपुलेशन हमारी वो खत्म हो चुकी थी। देखिए क्या बोला, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आर ईदर अनअवेलेबल और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट, इट रिजल्टेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। वाटर और एयरबॉर्न डिजीजेस बहुत सारी हुई थी उस टाइम पे, उसकी वजह से काफी लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो काफी लोगों की मौत हुई, उस डिजीज का रिजल्ट क्या था कि सर हमारे पास में उसका सर क्या रीजन था, उसका रीजन एक ही था कि सर हमारे पास में हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी प्रॉपर। आज आपके पास में मल्टीपल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है सर, हर सिटी हर टाउन हर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल मिलेगी आपको, तो पहले इतनी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो उसकी वजह से पानी की और यू कहें कि हवा की जो बीमारियां होती थी उसकी वजह से काफी लोगों की जान गई थी। ठीक है, एक बार आप लोग ये नोट डाउन करिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये वन मार्क क्वेश्चंस की वजह से इंपॉर्टेंट है, वन मार्क क्वेश्चंस में इनसे रिलेटेड टॉपिक आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या आया है, तीन तरह की स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी हाई होती है। जब फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होगी, वो स्टेज कहलाती है एक ऐसी इकोनॉमी की जहां पर इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती है, बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाती है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर ग्रोथ या तो बिल्कुल लो है या ग्रोथ है ही नहीं। तो अगर किसी इकोनॉमी में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहलाएगी, क्योंकि सर वहां पर मैसिव पॉवर्टी हो जाएगी, इसी की वजह से वो इकोनॉमी कौन सी होगी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। फर्स्ट स्टेज में दोनों हाई होते हैं, सेकंड स्टेज की बात करी जाए तो बर्थ रेट हाई होगी पर डेथ रेट लो होगी, लोगों के मरने की जो पॉपुलेशन है या यूं कि लोगों के मरने की जो रेट है वो क्या होगी, काफी कम होगी। बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट लो है, तो ऐसी जो इकोनॉमी होती है वो आती है अपने इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, मतलब वहां पर डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी होती है, तो वो चीज कहलाती है सेकंड स्टेज। आई बात समझ में, सेकंड स्टेज में बर्थ रेट तो हाई होगी पर डेथ रेट कम होगी। डेथ रेट कम है इसका मतलब अर्निंग पॉपुलेशन है सर, अभी अर्निंग पॉपुलेशन इतनी इजीली इनकी डेथ नहीं हो रही है, नई पॉपुलेशन आ रही है कोई दिक्कत नहीं, पर हमारी जो अर्निंग पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी लो, डेथ रेट भी लो, दोनों लो होती है, मतलब बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। ये ऐसी इकोनॉमी को सजेस्ट करते हैं जो इकोनॉमी या तो डेवलपिंग होती है या डेवलप्ड होती है। आई बात समझ में, दोनों हाई है बर्थ और डेथ रेट, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है, वो कौन सी इकोनॉमी, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाली इकोनॉमी कहलाएगी, जहां पर डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है। और थर्ड सर, बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, वो इकोनॉमी कौन सी कहलाती है, डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी। दोनों इकोनॉमी जो कि डेवलपिंग और डेवलप्ड, उनके यही सिंबल होगा कि वहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट काफी लो होगी। आई बात समझ में, एक इंपॉर्टेंट चीज, वन मार्क क्वेश्चन के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्यों, बिकॉज इस ईयर के बाद से ही इंडिया ने सेकंड स्टेज में एंट्री ली थी सर। 1921 के बाद से इंडिया के अंदर जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाली स्टेज चालू हुई थी वो थी सर सेकंड स्टेज। ठीक है, इसके पहले बिफोर 1921 इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, जहां पर ये चीज थी सर। आई बात समझ में, देखिए क्या बोला, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, आफ्टर दिस इंडिया स्टार्टेड इट्स सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बिफोर 1921 इंडिया वाज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज समझ में आना चाहिए। आई बात समझ में, 1921 के बाद हम लोगों की सेकंड स्टेज शुरू हो गई थी, 1921 से पहले
फर्स्ट ही थी सर, बर्थ रेट भी आई थी, डेथ रेट भी आई थी। आगे बात समझ में, एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए, बात करते अपन फास्ट। आज हम लोगों ने पढ़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में कि इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। हम लोगों ने बात करी पांच इंडिकेटर्स पे, पांच इंडिकेटर्स में हम लोगों ने किस किस चीज से रिलेटेड बात करी। हम लोगों ने सबसे पहले बात करी बर्थ रेट डेथ रेट के बारे में, फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात करी लिटरेसी रेट, फिर हम लोगों ने बात करी कि सर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या थी, हाई थी, उसके बाद में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर हम लोगों ने बात करी स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर किए। अगर आप में से किसी को भी इनमें से किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे जो भी आपकी क्वेरी है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आपका डाउट है मैं रिजॉल्व करवाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज फिर से बता देता हूं सर, ये हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है सर हमारी। ये सीबीएसई का जो कंटेंट है, सीबीएसई का जो सिलेबस है, वो सारी चीजें इसमें गिवन है विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर्स। आई बात समझ में? अगर आप में से किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट है, बुक की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर लूंगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं आपसे, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, नए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर के नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।